नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया पावर न्यूज। मैं हूं आपके साथ प्रभा वाजपेयी। महाराजगंज में मुख्यमंत्री सामूहिक शादी का आयोजन जिला मुख्यालय पर किया गया। नवविवाहित जोड़ों को आशीर्वाद देने पहुंचे भारत सरकार के केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने कहा कि समाज में दहेज एक बड़ी विडंबना है। पिता को बेटी के पैदा होते ही शादी की चिंता सताने लगती थी, लेकिन मुख्यमंत्री ने सबकी चिंता करते हुए उन गरीब पिता की बेटियों की मुख्यमंत्री सामूहिक योजना के तहत विवाह कराने की जिम्मेदारी ली है। उन्होंने कहा कि बेटी बेटे में कोई फर्क नहीं है, अब बेटियां परिवार के लिए बोझ नहीं है। गरीब बेटियों के शादी की चिंता सरकार कर रही है। उन्होंने कहा कि कन्यादान से बड़ा कोई दान नहीं है, यह बड़ा पुनीत कार्य किया गया है। उन्होंने कहा कि योगी सरकार गरीबों व कमजोर वर्ग की बेटियों की शादी के लिए गंभीर है। सरकार सबका साथ सबका विकास सबका विश्वास की तर्ज पर कार्य कर रही है। पनियरा विधायक ज्ञानेंद्र सिंह ने कहा कि गरीबों को लेकर सरकार ने बड़ी संख्या में योजनाएं शुरू की हैं। सरकार चाहती है कि गरीबों को समस्त सुविधाओं का लाभ मिले। सदर विधायक जयमंगल कनौजिया ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह कार्यक्रम भाजपा सरकार की महत्वाकांक्षी योजना है। इसे सफल बनाने के लिए सभी को पूरे मनोयोग से जुटना चाहिए। जिला पंचायत अध्यक्ष रविकांत पटेल ने कहा कि सरकार की इस योजना से गरीब बेटियों के पिता के सिर से दबाव कम हुआ है। इस अवसर पर प्रमुख प्रतिनिधि रामहरक गुप्ता, ओम प्रकाश जायसवाल, प्रमुख आनंद वर्मा, सदर प्रमुख प्रतिनिधि इंजीनियर विवेक गुप्ता, निवर्तमान जिला महामंत्री ओम प्रकाश पटेल, नगर पालिका अध्यक्ष कृष्ण गोपाल जायसवाल, केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री के प्रतिनिधि जगदीश मिश्रा के अलावा तमाम लोग मौजूद रहे। इसके पूर्व केंद्रीय मंत्री सहित विधायकगण ने दीप प्रज्वलित कर उद्घाटन किया। सदर विकास खंड अधिकारी, सहायक विकास अधिकारी श्याम तिवारी, ग्राम पंचायत अधिकारी सफी आलम के अलावा जिला समाज कल्याण अधिकारी सुधीर पांडे ने अतिथियों का बूके देकर स्वागत किया। अतिथियों ने सभी जोड़ों को पहुंचकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान सभासद प्रदीप गौड़, भारतेंदु मणि त्रिपाठी, सिनोद कुमार, नरेंद्र खरवार, रामाधार पटेल, त्रिभुवन पटेल, बैजनाथ गुप्ता, राहुल पटेल के अलावा तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। महाराजगंज ब्यूरो आशुतोष द्विवेदी की रिपोर्ट।